किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसी होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में, मैं हूँ प्रियंका। और काफी टाइम के बाद मैंने ब्लॉगिंग आज स्टार्ट की है, ऑलमोस्ट 10 डेज हो गए होंगे मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की है। और अभी जो भी मैंने ब्लॉग पोस्ट किए थे वो पहले के सूट थे। तो काफी टाइम से जब मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी तो मेरा मन बहुत बेचैन सा था, कुछ तो मतलब फैमिली रीजन के वजह से बेचैन था, कुछ अपना काम भी ड्रॉप कर दिया था। क्योंकि होता है ना, जब मूड अपसेट होता है तो आपका बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं होता करने का। बहुत मुश्किल से घर के काम होते थे, लाइक कुकिंग क्लीनिंग, और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं बाहर भी नहीं गई और मैं यूट्यूब का भी काम नहीं की, तो आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी। क्योंकि बात जब खुद की हो तो कोई मैटर नहीं होता, लेकिन जब बच्चे पे कोई बात आने वाली होती है या आगे चल के कोई बात इफेक्ट करने वाली होती है तो वो बहुत मतलब है ना, दिल को दुख देती है। हम सभी जानते हैं, और मेरा बहुत ज्यादा मानना है कि ईश्वर जो चाहेंगे वो होके ही रहेगा, उसे ना हम रोक सकते हैं और मतलब ना टाल सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन लास्ट में मुझे इस बात से संतुष्टि होती है कि ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा, उसे मैं रोक नहीं सकती, तो फिर बिना वजह मैं क्यों टेंशन लूं। तो फिर मैं ईश्वर पे बिलीव करके उस चीज को ड्रॉप कर देती हूँ और आगे अपनी लाइफ कंटिन्यू करती हूँ। और ऐसा करते करते आज 7 साल की जब थी मैं, तब से लेके आज मतलब इतना हो गया जो है, आज मैं अभी इस समय पे मैं 32 ईयर्स की हूँ, तो इतना टाइम हो गया। और उस टाइम पे मुझे इतना ईश्वर पे बिलीव नहीं होता था क्योंकि मैं छोटी थी, आप समझ सकते हैं। लेकिन जब चीजें मतलब आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे होने लगती हैं जिसके आपको होप भी नहीं होती है ना, तो फिर धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं ईश्वर पे बिलीव होने लगता है। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे ईश्वर पे बिलीव होने लगा, और अब तो बहुत ही ज्यादा है। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट बनाया जो कि आपने देखा आगे, और कार्तिक ने ब्रेकफास्ट किया भी नहीं क्योंकि उनका मन नहीं हो रहा, आई डोंट पता नहीं क्यों। तो उनको मैंने चाय दे दिया, ब्रेड दे दिया, वो खाएंगे। और उनको इस मतलब उनका एग्जाम चल रहा है तो उनको 11 AM पे मुझे ड्रॉप करना है। और अभी मैं सोच रही हूँ लंच की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लूँ, तो लंच में बनाने वाली हूँ मैं राजमा और चने की दाल मिक्स करके, जिसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी ब्लॉग्स जाए वो आपको मिले। अभी तो फिलहाल मेरे वीक में 2 ही ब्लॉग्स जाते हैं, एक ट्यूजडे को जाता है इवनिंग में और एक सैटरडे को जाता है। कभी कभी बहुत बिजी होती हूँ तो नहीं भी जा पाता है सैटरडे वाला, बट ट्यूजडे वाला तो डेफिनेटली जाता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं या आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे रख लें, और मैंने टाइम भी आपको मेंशन कर दिया है। तो चलिए पहले मैं शेयर करती हूँ कि कैसे क्या करना है, फिर आगे बात करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना और राजमा मिक्स करके, क्योंकि एक लोग राजमा नहीं खाते एक लोग चना नहीं खाते मेरे घर में। अभी मेरे थोड़ा कम पसंद करते हैं राजमा, बेटा मेरा चने की दाल को कम पसंद करता है। आज मैं मिक्स करके फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, आई डोंट नो कि ये लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, वो तो आफ्टर लंच ही पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, इसको डाल के बस व्हिसल लगा देंगे, देन उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। Which paper today? The paper is general science. Okay, is paper ready? Yes. Okay. तो टाइम आप देख रहे हैं 10
35 का हो रहा है। कार्तिकेय सूज उस पहन के रेडी हो रहे हैं, इनको ड्रॉप भी मुझे ही करना है। और मेरी जो वो थी ना, क्या बोलते हैं, ये थी ना राजमा और चने की दाल, वो भी उबल गई है तो मैंने ऑफ कर दिया है गैस। और अब मैं आऊंगी तो इसको फ्राई करूंगी, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या किया कैसे किया। तो चलिए इनको ड्रॉप करके आते हैं, फिर मिलते हैं। स्लीपर दे दीजिए हमको। वो वाला ऊपर है, अब कौन जाए लेने। आपने मुंह में कुछ लिया हुआ है क्या? अब कार्तिक भैया स्कूल चल दिए, थोड़ा देर घर शांत रहेगा। तो ये वही कढ़ाई है जिसमें मैंने पूरी छानी हुई थी, तो इसमें तेल लेफ्ट ओवर है तो मैं इसी में बना लूंगी। तो आप ऐसे में सोचिएगा कढ़ाई बहुत गंदी है, क्योंकि पूरी छानी थी तो इस वजह से हो गया था, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो तेल गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे फोरन अपना, जिसमें मैं जीरा और राई ली हूं, तो आप इसको डाल दें। देन उसके बाद मैं प्याज ऐड कर दूंगी इसमें। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और जब तक ये फ्राई होती है तब तक मैं अपना लहसुन जो है कूट लूंगी, लहसुन अदरक जो छोटा सा इमाम जस्ता या खलबट्टा जो भी बोलते हैं उसमें। तो चलिए जब तक ब्राउन होती है तब तक मैं वो काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस इतना हो गया, इसी मूवमेंट पे हम अपना लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। तो अदरक बहुत थोड़ा सा था मेरे पास, आज खत्म था, तो अदरक की भी क्वांटिटी मैटर करती है आपके टेस्ट पे, तो आप उस हिसाब से ले लें। मेरे पास तो कमी था तो मैं कमी ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे जब तक से इसमें से फ्रेग्रेंस आए, मतलब खुशबू आ जाए लहसुन अदरक की भुनने की, तब तक। सॉरी मैंने टमाटर ऐड कर दिया, आपको दिखाया नहीं, मैं भूल गई थी। तो अभी जस्ट मैंने टमाटर ऐड कर दिया, और इसको मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर लूंगी, इसमें सॉफ्ट हो जाए, पूरा मिक्स हो जाए, फिर मैं इसमें अपना गरम मसाला ऐड करूंगी, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो चलिए मिक्स हो, मतलब सॉफ्ट हो जाए, फिर मिलती हूँ। वो कह रही है सभी दुष्ट है मेरे लिए, मैं अपनी बहू को दुष्ट थोड़ी ना बोलूंगी, मैं तो अपनी बहू को अच्छा बोलूंगी। तो गाइस इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और हमारी कुछ आपस में नोकझोंक हो रही है, तो वही बात कर रहे हैं कि मैं अपनी बहू को अच्छा बोलूंगी, अपने बेटे को खराब बोलूंगी। हमारी आपस में होती रहती है बातचीत, तो हमने थोड़ा सा ऐड किया आपके साथ भी, सॉरी शेयर किया आपके साथ भी, तो होना चाहिए ऐसे ही ना। बहू को मतलब हमेशा बहू की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्टली लोग बहू की मतलब तारीफ नहीं करते हैं, बेटे की करते हैं, बट मैं ऐसा मेरा ऐसा मानना है, और मैं ऐसा करूंगी भी कि मैं अपनी बहू की तारीफ करूंगी, बट आगे क्या होगा वो रब जाने। तो चलिए फिर ये शेयर करती हूँ। तो इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, इसको हल्का सा भून के फिर मैं अपनी दाल इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये हमारा रेडी हो गया है, तो चलिए मैं इसमें दाल ऐड करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये हो गई हमारी दाल ऐड डिलीशियस सी, जिसको मैं अभी एक बॉयल पूरा आने तक अच्छे से पका लूंगी, उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। और आप चाहें तो इसको स्टार्टिंग में भी घी ऐड कर सकते हैं, या फिर खाते वक्त ऐड कर लें, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चले इसको बनने देते हैं। तो देख ही रहे हैं आप, पीछे दाल भी बन रही है और मैंने राइस भी चढ़ा दिया है। टाइम की बात करूं मैं तो टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 11:45 का, और अभी मेरे अभी पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि रात को वो लेट आए थे, तो हो ही जाता है, उनको सुबह उठने में लेट हो जाता है, फिर नहाने धोने पूजा सॉरी ब्रश वगैरह करने, नहाने धोने में और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, मतलब लाइक बाहर का भी उनको साफ ऑफ करना रहता है। हमारे पीछे मतलब कॉलोनी है, तो लोग कूड़ा वगैरह ऊपर से डाल देते हैं, तो वो सब भी वो हटा देते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि अपने आसपास भी सफाई रखनी चाहिए ना, सिर्फ घर में ही नहीं रखनी चाहिए। तो वो वहां का काम वही करते हैं, मैं घर में का ही करती हूँ, क्योंकि और भी आपने देखा बेटे को ड्रॉप करना, बेटे को रिविजन कराना, बहुत सारे मतलब आराम से बैठ जाऊं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अभी वो भी नहा के पूजा कर लेंगे, उसके बाद वो मंदिर जाएंगे, फिर हम जो है उनके लिए मतलब ब्रेकफास्ट तो वो अभी करेंगे नहीं, अब तो वो चना खाएंगे जो कि मैं रात को सोख करके रखती हूँ, और चाय पियेंगे,
उसके बाद वो लंच करेंगे। और आज उन्होंने लीव ली हुई है क्योंकि काफी टाइम हो गया हम बाहर नहीं जा रहे थे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। और मेरा भी मूड कुछ खराब था एंड बाबू का भी मतलब मूड घर में रह रहे के ऑफ हो गया है, तो वो उसका सारा सब्जेक्ट लर्न है, उसको सिर्फ रिविजन करना होता है। तो हमने सोचा कि अभी तो वो डांस क्लास भी जाएगा शाम को 5 बजे से, तो हमने सोचा उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा मैं भी बाहर चली जाऊंगी और कुछ अच्छा दिख जाएगा तो खरीद लूंगी। वैसे ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी है क्योंकि एंड ऑफ द मंथ है, तो समझ ही सकते हैं कि मतलब सैलरी है तो उसी हिसाब से चलाना होता है बजट में घर, ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, एक दो चीजें सोची हुई है दिमाग में, अगर वो रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएगी तो ले लेंगे। तो अब ये दाल बन जाएगी, चावल बन जाएगा तो मैं रोटी डालूंगी, उसके बाद मेरा लंच भी रेडी है और फिर वही बर्तन वगैरह धुल लूंगी। बाकी तो मैंने क्लीनिंग कर दी है, रूम वगैरह सब क्लीन कर दिया है, सुबह में ही कर दिया था तो सब क्लीन है। और बाबू आएंगे 1:15 पे, देन हम लंच करेंगे, उसके बाद देखते हैं कब हम निकलते हैं। तो अभी हम घर का भी काम स्टार्ट कराने वाले हैं, घर में जो मैंने पहले बताया था कि नीचे कराने वाली थी टाइल्स वगैरह का, उसको मैं पोस्टपोन कर रही हूँ, कुछ रीजन है। तो उस टाइम पे जब तक मैं वो ब्लॉग शूट करूंगी, अगर क्लियर हो जाएगी वो बात तो मैं आपको रिवील कर दूंगी। तो छत का तो कराना जरूरी है क्योंकि गर्मी में छत जो है सीमेंट जो है चटकने का डर होता है, धूप तेज होती है, उसके बाद बारिश होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो छत का करा लेंगे। नीचे का काम पोस्टपोन अभी कर रहे हैं फिलहाल के लिए। और मैं इसी मतलब मंथ में मेरी इंगेजमेंट और मेरा तिलक हुआ था आज के 13 साल पहले, मतलब 13 साल हो गया उस बात को, 13 साल पहले। मेरी शादी को 13 इयर्स हो गए हैं, मतलब शादी को तो अभी 20 मई को 13 इयर्स होंगे, मतलब इंगेजमेंट एंड तिलक को। तो मैं सोच रही हूँ इसके बाद अपनी इंगेजमेंट और तिलक की जो क्लिप है वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा लाइफ रूटीन ब्लॉग है तो आप मेरे मतलब लाइफ से रिलेटेड चीजें देखें। और कुछ लोगों का पर्सनली भी मुझे मतलब मैसेज आया है कि आप शेयर कीजिए, कुछ लोग पोस्ट पे भी बोले हैं, मैंने एक पोस्ट डाली हुई थी तो वहां भी एक दो लोगों ने बोला हुआ है, और कुछ लोग जो मेरे फ्रेंड हैं जो टेलीग्राम वगैरह पे ऐड है उन्होंने भी कहा है। तो मैं इसके बाद वही कोशिश करूंगी वीडियो डालने की। तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो मैं अगेन कह रही हूँ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन ऑल के साथ, तो तभी आप वो वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो सॉरी ब्लॉग मेरा मुझे लग रहा है लेंथी हो रहा है, तो अभी मैं आपको दाल का फाइनल जो है वो शेयर कर दूंगी लुक बनने के बाद, उसके बाद मैं इस ब्लॉग का एंड करूंगी। क्योंकि जो मैं घूमने जाऊंगी देखूंगी, अगर स्टार्ट करूंगी तो दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगी एंड उसी ब्लॉग में शेयर भी कर दूंगी आपके जो मेरी एंगेजमेंट का क्लिप है, अदरवाइज नहीं भी कर सकती हूँ, जैसा सिचुएशन होगा वैसा करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ अब आगे। तो गाइज यहाँ पे दाल मतलब हमने लंच कर लिया, तब मुझे याद आया कि मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया था बनने के बाद, तो वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। कैसी बनी थी बाबू? दाल बहुत अच्छी बनी थी, मैं इसको एक्सीलेंट दूंगा। अच्छा, फिर खाओगे बनेगा तो? तो कार्तिक जो है चने की दाल नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने राजमा मिक्स करके बनाया, क्योंकि कार्तिक राजमा बहुत मन से खाते हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो राजमा नहीं खाते हैं, चने की दाल खाते हैं, तो मैंने दोनों लोगों का जो है मिक्स कर दिया और दोनों ही लोगों को पसंद आया, तो मेरे लिए एक रेसिपी हो गई आगे के लिए। और क्योंकि दोनों लोग, एक लोग एक चीज नहीं खाते एक लोग एक चीज नहीं खाते, तो दोनों मिक्स करने पे दोनों लोगों को पसंद आया है तो आगे खाएंगे। और अभी मैं रेडी हो गई। रेडी क्या, मैंने बस सूट जो पहना था उसको चेंज करके दूसरा कुर्ती डाल लिया, बाकी तो मैं जैसी हूं वैसी ही थी। तो टाइम भी देख रहे हैं 2:20 का हो गया है और हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं बाहर। देखेंगे अगर हम पार्क जाएंगे तो वहां का व्यू शेयर करेंगे, क्योंकि वो मैंने शेयर किया था लेकिन कॉपीराइट आ गया था उस पर, सो मैंने उसको मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम ना हो चैनल को, इसलिए डिलीट कर दिया था। तो अगर अगेन उस पार्क में जाएंगे तो मैं शेयर करूंगी वहां का, नहीं जाएंगे तो मैं मार्केट का शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मार्केट का मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बना रखा है, अभी वो आपने देखा नहीं है तो वहां का नहीं करूंगी। और जो भी चीजें अगर आज कुछ लेती हूँ तो आपको उसी ब्लॉग में दिखा दूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज क्या करना है कार्ती? लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ऑन बजाना मत भूलना। तो प्लीज कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ, अगला तो जो वीडियो जाएगा वो मेरे एंगेजमेंट का जाएगा, तो
ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल के साथ शेयर कीजिए, जिससे सारे लोग देख पाए मेरी एंगेजमेंट की क्लिप। तो चलिए मिलते हैं एंगेजमेंट में अब डायरेक्ट।